अब तो खुश हो ना? आज की सारी मसरूफियात कैंसिल करके सारा दिन तुम्हारे पास हूँ। मैं यूरोप जाने का प्लान कर रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? आपके साथ कहीं भी। जानता हूं तुम्हें भी और तुम्हारे दिल को भी। एक जरूरी काम आ गया, मुझे जाना होगा। पर आपने तो कहा था कि आज आप सारा दिन मेरे साथ हैं। मैं जल्दी लौट आऊंगा। मर्द अपनी पहली मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं भूलता है। जी, अरे अपनी हैसियत का अंदाजा करते करते तुम्हारी तो आवाज ने बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया है। कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही हो। हाँ, क्यों फोन किया है आपने? नौशरवान की करंट लोकेशन चेक करो, वो फरा के फ्लैट पे है इस वक्त। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो नौशरवान को कॉल करके पूछ लो कि वो कहाँ है। मैं ऐसा क्यों करूंगी जब आपके मुख पर है ये करने के लिए। लेकिन मुझे हैरत है कि आपके मुख पर तब कहां थे जब गजनवी मेरे साथ निकाह कर रहे थे। अंदाजा नहीं था उस वक्त कि नौशरवान ये करेंगे, वरना जो आज कर रही हूं ना वो उस वक्त करती, और ये सौकन बनी ना खड़ी होती तो मेरी बराबरी पे आज। पूछ सकती हूँ कि ये सब कुछ करने से अब आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल पूछ सकती हूँ। ये जो तुम नौशरवान के दिल पर राज करके बैठी हुई हो ना, निकाल के बाहर करूंगी तुम्हें यहां से। सुकून मिलेगा मुझे, बहुत सुकून। चले, एक लम्हे को मैं इस बात को मान भी लूं कि फरा के आने के बाद गजनवी मुझे छोड़ देंगे, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि उसके बाद भी गजनवी के दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी? अरे जाओ, तुम्हारे जैसी और फरा जैसी हजारों आती हैं और जाती हैं। है हमेशा के लिए हूं। और ये मत भूलो, मैं नौशरवान के वालदैन की हवेली में बैठकर बात कर रही हूँ तुमसे। उस हवेली की क्या अहमियत जहां आपको तन्हाई के अलावा और कुछ हासिल नहीं।
बहुत देर हो चुकी है अब। वक्त वहीं रुका है जहां हम दोनों अलग हुए थे। इन बातों का कोई फायदा नहीं है प्लीज। नुकसान तो तुम देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहती हूं। दुआ मेरा वेट करी होगी, मैं चलता हूं। और मैं, मेरा क्या जो मैं इंतजार करती रही, मेरे इंतजार का ये सिला दे रहे हो तो? रास्ता तुमने बदला था, मैंने नहीं। अगर तुम उस वक्त छोड़ के ना गई होती ना, तो ये गिला ना करी होती मेरे सामने। गलती होगी मुझसे, तुम जो सजा देना चाहते हो मुझे सजा दे दो, लेकिन लेकिन मुझसे मुंह मत मोड़ो। सजा? सजा तो तुमने मुझे दी थी, तन्हाई की, अकेलेपन की। एक लम्हे के लिए नहीं सोचा मेरे बारे में कि अपनों की ब्लैकमेलिंग से बच के मैं तुम्हारे पास आया था, तुमने तो मुझे यूं छोड़ दिया। पलट के नहीं देखा कि मुझ पे क्या गुजर रही है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैंने वो फेस कैसे गुजारा था। शादी कर लेते हैं हम बहुत खुश रहेंगे। मामा बाबा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। प्लीज प्लीज माफ कर दो मुझे। I beg you, please, please माफ कर दो। माफ कर दिया मैंने तुम्हें, तुम मुझे माफ कर दो बस। अब मैं मैरिड हूं, प्लीज मुझसे कांटेक्ट ना करना। गजनबी, गजनबी करूंगी मैं तुमसे कांटेक्ट, एक बार नहीं बार बार करूंगी मैं। और मैं भी देखती हूँ कब तक मुझसे दूर रहते हो तुम। गजनबी!